वीडियो में आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें मैंने आपको तीन कोर्स इंट्रोड्यूस कराए थे। पहला कोर्स स्पीकिंग, दूसरा लिसनिंग, तीसरा हमारे पास जो है कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये पहला कोर्स है हमारे पास स्पीकिंग का, और इस कोर्स का जो लेवल है वो एलिमेंट्री लेवल है, बेसिक लेवल, और इसकी जो ड्यूरेशन है हमारे पास 6 मंथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस पहले लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फिनीन क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। तो फिनीन एक चाइनीज़ सिस्टम है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हम चाइनीज़ के साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नज़र आता होगा ये जो करेक्टर लिखा हुआ है, इसको चाइनीज़ में हंज़ बोलते हैं, मगर हमें नहीं पता कि इसकी चाइनीज़ में प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको कैसे हम तलफ़ुज़ देंगे। तो उसके लिए हम चाइनीज़ फिनीन इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी हमारे पास प्रोनाउंसिएशन होगी चाइनीज़ में नी हाओ। तो फिनीन बेसिकली तीन कंपोनेंट में मुश्तमल है, जिसमें पहला इनिशियल, फाइनल, टोन। तो हम इनिशियल, फाइनल और टोन के बेस पे इसी अल्फाज को हम ब्रेकआउट करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, चाइनीज़ फिनीन तीन हिस्सों में मुश्तमल होता है, इनिशियल, फाइनल और टोन मार्क। तो इसी फार्मूले को यूज़ करके हमारे पास जो दो करेक्टर है, एक है नी हाओ, नी का मतलब है आप, हाओ मतलब ठीक। तो हम पहले इस करेक्टर को ब्रेकआउट करते हैं इसी फार्मूले के हवाले से। हमारे पास है नी, नी में दो करेक्टर हैं एन आई, पहला हमारे पास एन है और दूसरा हमारे पास आई। तो ये जो एन है हमारा इनिशियल है, इनिशियल्स, और दूसरा हमारे पास आई जो है ये फाइनल। और ये जो आपको मार्क नज़र आ रहे हैं इसको चाइनीज़ में इसको हम टोन कहते हैं, टोन, ठीक है, एक साउंड है। ये टोन क्या चीज़ है मैं आगे चलकर आपको मज़ीद इसकी डिटेल में बताऊँगा, पहले हम इनिशियल और फाइनल दे लेते हैं। इसी हवाले से सेम फार्मूला यूज़ करके हम ये जो हाओ करेक्टर है इसको हम ब्रेकआउट करते हैं। अब गौर करें, इसमें दो जो है हमारे पास करेक्टर थे, एक एन था एक आई था। तो एन हमारे पास इनिशियल और आई हमारे पास फाइनल, और ये जो हमारे पास है ये जो मार्क नज़र आ रहा है इसको टोन कहते हैं। मगर हाओ जो करेक्टर है इसमें हमारे पास तीन करेक्टर हैं, एक हमारे पास एच है, ए ओ। तो हम इसको कैसे ब्रेकआउट करेंगे, एच हमारे पास इनिशियल होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और ए आओ कंपाउंड फाइनल्स हैं, क्योंकि ये दो हैं तो हम इसको हम जो है कंपाउंड फाइनल्स का नाम देते हैं। एच हमारे पास इनिशियल है, ए ओ हमारे पास कंपाउंड फाइनल है। तो इस कंपाउंड फॉर्म में जो पहला ए है इसको हम फर्स्ट फाइनल कहते हैं, और ओ जो है हमारे पास सेकंड फाइनल है, और ये जो मार्क है आप जैसा कि आपको पता है ये इसको टोन कहा जाता है। तो आज की इस पहली क्लास में हम जो इनिशियल साउंड है उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनका तलफ़ुज़ सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो टोटल हमारे पास 21 इनिशियल साउंड है, इसको इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट बी पी एम एफ पढ़ा जाता है, मगर इसकी चाइनीज़ में जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैं तीन मरतबा रिपीट करूँगा, आपने मेरे साथ रिपीट करना है। अगर आपको कोई साउंड समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा था, आप वीडियो को पॉज करके आप जो है वो उसको रिपीट कर सकते हैं। पो 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 फो 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 मो 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 फो फो फो। पहले पार्ट में जो चार हमारे पास साउंड है उसमें लास्ट में हर साउंड के पीछे वो क्या जो है साउंड आ रहा है, ठीक है, जैसे कि पो फो
अगला साउंड है हमारे पास तो इंग्लिश में इसको डी प्रोनाउंस किया जाता है, डी जैसे डेट हो गया या डायरेक्ट हो गया, मगर इसमें चाइनीज में इसको त की साउंड जो है वो आएगी। तो अगला साउंड है थो थो थो, अगला साउंड न न न न, अगला साउंड है हमारे पास लो लो लो। जैसा कि पिछले पार्ट में हमारे पास जो चार साउंड थे, चार अल्फाबेट थे, उसमें ओ ओ फो मो फो, लास्ट में ओ की साउंड आ रही थी, मगर इस पार्ट में हमारे पास हर अल्फाबेट के सामने ओ की साउंड आ रही है, जैसे कि तो थो नो लो। तो हर पार्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनको उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगला पार्ट रहे हमारे पास को, मेरे साथ साथ रिपीट करें। अगला है हमारे पास, अगला अल्फाबेट है हमारे पास खो 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 खो। अच्छा, ये जो साउंड है हमारे पास ख, इसको ख भी जो है प्रोनाउंस किया जाता है, ख, ये जो ख है हमारे पास खे खबर वाला ख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको को साउंड जी है, अल्फाबेट हमारे पास इंग्लिश में इसको जी, गुड जी गिफ्ट जो है अल्फाज, मगर चाइनीज़ में इसको को के वाली जो है साउंड निकलेगी, क काफ कलम जो है, काफ कलम या काफ जो है किताब की साउंड जो है वो साउंड निकलेगी क ख। इसको भी थोड़ा गौर कर लें, इसको के नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ख ख ख। आगे चलते हैं हम, अगला साउंड है हमारे पास जे, इंग्लिश में जे, मगर चाइनीज में उसको जो है ची ची प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक। मेरे साथ साथ रिपीट करें, ची ची ची। अगला साउंड छी 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 छी। अगला साउंड है हमारे पास एक्स, अल्फाबेट है हमारे पास, इसकी चाइनीज में प्रोनाउंसिएशन होगी शी 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 ची 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 छी छी शी शी शी। बार बार रिपीट करेंगे तो आप जो है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप इन साउंड को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगला साउंड थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं तीन मरतबा इस साउंड को रिपीट करूँगा, आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है। ची ची ची। अच्छा, इसमें मैंने ये रे लिखा है, मगर ये रे ज़्यादा वाइब्रेट हमने नहीं करना, सिर्फ हल्का सा च, थोड़ा सा हमने अपनी ज़बान को वाइब्रेट करना है, ठीक है। रिपीट करें मेरे साथ च च च। अगला साउंड है हमारे पास छ छ छ।
ये भी साउंड सेम इसी तरह हमारे पास र है इसमें, मगर ये र हम ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, रिपीट करें मेरे साथ, 3 मरतबा आपने रिपीट करना है मेरे साथ। छ छ छ। अगला है श श श श। अच्छा, ये साउंड और जो पिछला साउंड था हमारे पास ये एक्स आई, इसमें आप मिस्टेक नहीं कर लेना, तो क्योंकि ये और ये जो साउंड है हमारे पास थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इसको हम जो है शी प्रोनाउंस करते हैं शी, मगर इसको जो है हम श जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी श श। तो रिपीट करें मेरे साथ 3 मरतबा श श श। चलो अगला सुने हम पास र र र। सेम वही तरीका, ये 2 मरतबा रे लिखा हुआ है रे। हमको तो ईजी लगता है रे, हम अपनी ज़बान को वाइब्रेट कर सकते हैं, मगर चाइनीज़ को ये साउंड बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है प्रोनाउंस करने में। तो ज़बान को ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करना है, हल्का सा जो है वाइब्रेट करना है। तो रिपीट करें मेरे साथ 3 मरतबा र र। एक साउंड है हमारे पास सेट, या इसको जी प्रोनाउंस किया जाता है आमतौर पे ज़्यादातर। इसको ट्स पढ़ा जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास है ट्स चाइनीज में ट्स ट्स ट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सी, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। चाइनीज में इसका जो है चाइनीज में इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी स। मेरे साथ रिपीट कर रहे 3 मरतबा स स स। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अगला जो साउंड है हमारे पास एस, इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इजी है चाइनीज में स स स। मेरे साथ रिपीट करें 3 मरतबा स स स। आज की क्लास नंबर 1 में हमने सीखा कि फिनिन क्या है, और इनिशियल साउंड हमने पढ़े, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनल्स।